नमस्कार, मैं भारत उदय समाचार से राहुल जगजीत आज आप लोगों के लिए ब्राह्मण सम्मान सह होली मिलन समारोह से एक न्यूज लाया हूं। मेरे साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है ब्राह्मण समाज के, वो उदय शंकर चौधरी जी हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि सर, आज का जो सम्मेलन हुआ है उसका उद्देश्य क्या था? आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार में और खास करके दरभंगा में जो ब्राह्मण संगठित नहीं है, उनको सामाजिक सरोकार के कार्य एक साथ कोई ऐसा कार्यक्रम करके एक साथ बैठें और समाज को संगठित करने का प्रयास करें, मूल उद्देश्य यही है। दूसरी बात, ब्राह्मणों को जो आपस में वैमनस्यता और कटुता है, उसको एक साथ बैठने के बाद धीरे धीरे उसको दूर किया जाएगा, उसी के लिए एक पहल है। और ये पहल जो है ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का जो एक बिहार इकाई है, ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन, उसके अंतर्गत आयोजित किया गया है। आज के सम्मेलन के बाद आपके दरभंगा जिला में या बिहार के किसी जो जिला है उसके में कोई प्रोग्राम है आपका जो ब्राह्मण सम्मेलन? हाँ है, 4 मार्च को मधुबनी में एक बृहत्तर कार्यक्रम है जिसमें पूरे जिला के कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके लिए तिथि मुकर्रर है। वहाँ 200-400 लोग एक साथ बैठेंगे और वहाँ जिला कमेटी के विधिवत घोषणा की जाएगी। उसके बाद 10 तारीख को सुपौल जिला में, 15 तारीख को सहरसा में और 20 और 22 के बीच में मधेपुरा और अररिया में भी ऐसा ही प्रोग्राम करने का प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं सर। अनिल कुमार झा मेरा नाम है। अनिल कुमार झा, आप जो ब्राह्मण सम्मान होली मिलन समारोह है उसमें जो आप क्या मतलब क्या है आप उसके? ये तो अंतरात्मा की चीज़ है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है क्या है कि यहाँ के जितने सारे इसमें पद की कोई मान्यता नहीं है, कोई पद नहीं है, एक सांकेतिक है। चूँकि संगठन को चलाना है तो एक जिम्मेवारी बांटी जाती है, तो सारे लोग साथ है, कोई पद नहीं है, भावना से है। और ब्राह्मण है तो सबसे पहले हमारा सर्वोपरि अधिकार बनता है कि हम अपने विघटित समाज। सर, आपसे एक सवाल है कि ये जो ब्राह्मण समाज है जिसका आज बहुत बड़ा आपने कार्यक्रम रखा था और बहुत दूर दूर से लोग आए थे, बहुत ही बड़े बड़े जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जितने भी यहाँ इस एरिया के गांव हैं उसके मुखिया आए थे, पंचायत समिति आए थे, इस तरह के लोग आए थे यहाँ पर। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण समाज का ये सम्मेलन था उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही है या कोई और इसमें, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत जानकारी? सिर्फ ब्राह्मण को यहाँ 4 खंड में विभक्त किया गया है। कहीं मैथिल ब्राह्मण है, कहीं साकलतिपी ब्राह्मण है, कहीं कानकुज ब्राह्मण है और कहीं भूमिहार ब्राह्मण है। तो ये जो सम्मेलन था वह किसी खास ब्राह्मण का समग्र रूप, ये ब्राह्मण है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाने थे लेकिन हैं सारे लोग ब्राह्मण। और चूंकि ब्राह्मण का सम्मेलन था तो यहाँ जितने सारे आप देखे मुखिया आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे या जितने सारे गणमान्य में, जितने सारे लोग इस परिसर के अंदर आपने देखा होगा, कोई और नहीं था, वह कौन था? सिर्फ ब्राह्मण था। तो सारे ब्राह्मण को हम लोग एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा समाज हाशिया पर है, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हम लोगों को विभक्त बांट के खंडित करके हमारे प्रतिभा को, हमारे भीतर जो ऐसी क्षमता है सबको बांट दिया गया है, सबको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, हमको मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम तो प्रतिभावान लोग हैं, हम तो डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो अपने प्रतिभा के बल पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आज हम अपने समाज को यहाँ एकत्रित कर बैठ कर हम लोग जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, हम संगठित थे, एक जगह थे, एक मंच पर लाने के लिए एक शुरुआत है, एक पहल है, पहला पहल है। और ये ऊपर से तो चलता रहा है बहुत पहले से, यहाँ हम लोग शुरुआत किया। आपने अध्यक्ष जी का सुना कि ये हम लोगों का ये यहाँ तो हुआ है लेकिन 4 तारीख को वहाँ है, फिर सहरसा में, सुपौल में, मधुबनी में, अररिया में, किशनगंज, मतलब पूरे बिहार के प्रदेशों में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग गाँव-गाँव जाके, टोले टोले जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, कस्बे कस्बे जाके हमारे मिट्टी के जो बेटे हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको हम लोग उठाएंगे, उनके भीतर में जन जागरण करेंगे, उनको ब्राह्मण का बोध उनके भीतर हो कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक, हमें अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है, यह उनके भीतर जो है सो बोध को हम लोग जागृत करेंगे और फिर बिहार में एक नया जन जागरण करके और एक नई क्रांति लाएगी और फिर से हम अपने खोए हुए सम्मान को वापस लाएंगे। बहुत बड़ी बात है सर, ये मिथिलांचल का जो ये मिथिलांचल का धरती है, दरभंगा जिला के बहादुरपुर ब्लॉक से, ये ब्लॉक में इंद्र भवन के प्रांगण से ये प्रोग्राम हो रहा था। मैं आपको बता दूं सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं कि ये जो समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, इसमें बहुत बड़ा समाज है, इसके लिए आप मतलब जो कोई आगे आने वाले दिनों में कुछ और करने वाले हैं आप लोग, कोई और? देखिए, आज हम लोगों ने आपने देखा होगा
101 लोगों को उस समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई सामाजिक क्षेत्र हो, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई अधिवक्ता के क्षेत्र में, कोई शैक्षिक क्षेत्र में, जो भी उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, ऐसे 100 लोगों को आज हमने मंच पे ला के सम्मानित किया है। ऐसे अध्यक्ष जी के हम लोग बात किया, अध्यक्ष जी का ऐसा प्रोग्राम है आगे आगे हम लोग अपने समाज के जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल में है, IT इंजीनियर है, BIT है, NIT है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में है, तो वैसे लोगों को हमारी भविष्य में योजना है कि ऐसे लोगों को भी हम मंच पे ला के सम्मानित करेंगे, जो आगे परीक्षा होने वाली है, बिहार बोर्ड का परीक्षा होगा, CBSE का होगा, इंटरमीडिएट का होगा, जो हमारे मिथिलांचल के हमारे समाज के लोग इस परीक्षा में उत्कृष्ट भूमिका निभाएंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, उन लोगों को भी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करके उन बच्चों को भी हम पुरस्कृत करेंगे। इतना ही नहीं करेंगे, हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि छोटे छोटे काम, कोई गरीब है अगर उसको पढ़ने के लिए अर्थ की कमी है तो ये संगठन वह अर्थ संग्रह करके, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग उस बच्चे के लिए अर्थ का जुगाड़ कर सकते हैं। अध्यक्ष जी 10 बच्चे के लिए कर सकते हैं, देव कुमार भाई 5 बच्चे के लिए कर सकते हैं, ऐसे 100-200 बच्चे जो बिहार में हमारे मैथिल ब्राह्मण में कमजोर तबका का है, जिसको पढ़ने की सब कुछ है लेकिन उसके पास अर्थ है। ये सर एक सवाल और आपसे है कि आपके जो आपका समाज है वो आने वाले दिनों में कोई ऐसा आंदोलन करने वाला है आरक्षण के लिए, जो ब्राह्मण को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा कोई देखिए हम लोग आरक्षण के एकदम हिमायती नहीं है, हम लोग आरक्षण के विरोधी लोग हैं। आरक्षण हो तो सिर्फ एक आधार, वह है अर्थ का आधार, वह है जो आदमी का मूल्यांकन हो उसके गरीबी और अमीरी। अगर कोई गरीब है, वह गरीब, उसके पास अर्थ नहीं है कि उसको आरक्षण का लाभ मिले, और जात पात आधार जो आरक्षण, अभी जातवादी आरक्षण जो पिछले 7 वर्षों से इस देश में चल रही है, वो देश के लिए अभिशाप है, कलंक है। मैं तो मानता हूँ लोग हमारे बात से नहीं सहमत होंगे, लेकिन उसको तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, और आर्थिक आधार बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण के लिए एकजुट, ब्राह्मण कैसे एकजुट हो, इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं हर जगह हर जिले जा करके, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई आरक्षण से लेना देना नहीं है, हम आरक्षण के लिए लड़ने वाले नहीं हैं, जो ब्राह्मण को उसका राइट है उसको मिलना चाहिए, बस यही इनका कहना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण आपने इसको नहीं, आरक्षण जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है, हम उसके विरोधी हैं, हम उसके हिमायती नहीं हैं। हमारा विचार है, हम सबों का विचार है और इस फेडरेशन का विचार है कि आधार जो आरक्षण का आधार हो आर्थिक हो, गरीब लोगों को लाभ मिले। जात के आधार पर हो सकता है, सभी जात में गरीब है ना, अगर ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी लाभ मिले, और अन्य समुदाय में भी जो हमारे गरीब है उसको भी लाभ मिले, जो अमीर है तो अमीर है, जात के आधार पर तो आप उसको मतलब अगर आरक्षण मिल रहा है तो सबको मिले, बराबर मिले, इनका यही कहना है। सर और एक बात और है, आपका जो संगठन है कोई ऐसा रूल या ऐसा कुछ काम कर रहा है जो गरीबों का मदद कर रहा हो समाज में, ब्राह्मणों के लिए, ऐसी कोई है? आपको बताया ना, पहले बताया कि हम लोग की योजना है, जो हमारे बच्चे हैं कहीं अगर हॉस्पिटल में बीमार है, उसको यदि पैसा नहीं है तो हम संगठित करके हम उसको इलाज कराएंगे, कोई बच्चे है पढ़ना चाहते हैं उसके पास अर्थ नहीं है तो अर्थ का संग्रह करके उसको पढ़ाएंगे। सामाजिक काम है ना, ये तो सारा वेलफेयर काम है जो सामाजिक उत्थान के लिए हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ थे ब्राह्मण सम्मान के सम्मान सह होली मिलन समारोह के जो भारतीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय शंकर चौधरी जी, और उनके साथ सब जो गणिमान्य व्यक्ति हैं वो सब, मैं राहुल जगजीत, जय हिंद जय भारत, उदय भारत उदय समाचार से।